हेलो फ्रेंड्स, मैं उमाशंकर, आप देख रहे हैं यूएस टेक चैनल। और आज हमारे पास है एक सैमसंग कंपनी का डुअल सिम मोबाइल, जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग B351E। और इसमें प्रॉब्लम है, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही चार्जर इसमें लगाया है, और चार्जर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मोबाइल हमारा चालू हो गया है और चार्जिंग भी शो करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग हमारी चल रही है, बट इसका पावर की बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पावर की बटन जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, और इसको हम बार बार दबाने का प्रयास भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि बैकलाइट इसकी बंद हो गई है, लेकिन तो देख सकते हैं कि सीधा सीधा सा मतलब है कि इसका पावर की बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसकी सिमें जो है बाहर निकाल देते हैं। तो सिम बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स, वीडियो को हल्का सा फास्ट करके वीडियो मोबाइल को खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल आप देख सकते हैं कि हमने खोल दिया है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है ऑयल टाइप का। तो उसको हल्के से कपड़े से पहले साफ कर देते हैं जो भी पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसको साफ़ कर दिया है। आप भी देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने साफ़ कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको हम जो कीपैड पत्ता है इसको हल्का सा हटा के देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या पोजीशन है, क्यों इसका जो है पावर की वाला बटन जो है हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो चिमटी की मदद से इसको एक बार निकाल के देखते हैं। तो ये हमारा पावर की बटन है जो हमने निकाला है बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें को काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट जो है यहाँ पे फ्रेंड्स गंदगी समझ में आ रही है, वाटर डैमेज टाइप का लग रहा था। उसको ब्लेड से हल्का सा क्लीन कर देंगे, अच्छे से क्लीन कर दिया हमने ब्लेड की मदद से, अच्छा से क्लीन कर दिया है। फ्रेंड्स, इसको हम पूरा ही हटा के एक साइड रख देते हैं, क्योंकि आपको चेक करके भी दिखाना है, और हमारा पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर यहाँ से है और यहाँ से अगर जंपर लगाने की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो कहाँ से वो जंपर लेंगे, यानी कि पूरा डिटेल इस वीडियो में पावर की का हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए ना हमारे वीडियो के साथ, और वीडियो अगर हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बगल में लगे घंटे को भी दबा देना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें लिक्विड था वो हमने सारा इसमें हटा दिया है, और इसकी डिस्प्ले को भी हमने बाहर कर दिया था, ठीक है। और इसको हमने क्लीन कर दिया है अच्छे से। क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स, जो भी कीपैड में जो भी हमको बटन बेकार लगेंगे उनको भी साफ़ कर देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसको भी हमने साफ़ कर दिया है। इसको साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है, मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि हमारा ये पावर की वाला बटन जो है वर्किंग में है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पावर की वाला जो बटन है वो वर्किंग में है। तो इसमें कार्बन की वजह से ये प्रॉब्लम जो है थी हमारे। और फ्रेंड्स, ये तो वर्किंग में है फ़िलहाल। हम आपको बता दें कि अगर इसके बावजूद भी बटन हमारा वर्क नहीं कर रहा है, और ये आईसी से कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो अपन को किस तरीके से जंपर लगाना है फ्रेंड्स, वो आपको गौर करने वाली बात होगी। उस पर जरा आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक क्रॉप अपन पावर की बटन के बीच वाले पे रखना है। इसको हटा के ये वाला लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम सभी पे लगा लगा के देखते हैं, और जहाँ पे भी मल्टीमीटर पे हमारी बीप आएगी तो फ्रेंड्स हमारा जंपर भी वहीं पे लगेगा। फ्रेंड्स, सारे कंपोनेंट पे हम आपको एक एक करके दिखाने वाले हैं।
इस तरीके से आप भी ट्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे इसकी वेव जो है, मल्टीमीटर को वेव की रेंज पे सेट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है ट्रेस किया है कि ये जो हमको दिख रही है चिमटी, देख लेते हैं ज़रा। तो फ्रेंड्स, ये जो अपन को दिख रही है ये रेजिस्टेंस, ये ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस, इस पे अपन को जंपर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जंपर देना है, वो यहाँ पे देना है, क्योंकि हमने यहीं पे रख के जो है मल्टीमीटर को और यहाँ पे ट्रेस किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी ये कहीं ख़राब हो जाती है तो आपको पीछे से जंपर ले देना है, यहाँ से पीछे से, इसके पीछे से जंपर जो है लगा के आप यहाँ पे जंपर मार देंगे, आपका पावर बटन जो है वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जंपर नहीं लगाना है तो फ्रेंड्स, इसको निकाल के आप सीधे यहाँ से दोनों सिरों को, इस रेजिस्टेंस को निकाल के जंप शॉर्ट कर देंगे दोनों को, तो भी ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हल्का सा वीडियो को फास्ट करने के बाद फ्रेंड्स पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद फ्रेंड्स मोबाइल को चालू करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो भी इसमें गंदा था वो हमने साफ कर ही दिया है। और फ्रेंड्स, किस तरीके से अगर पावर की फिर भी वर्क नहीं करती है, अगर आपका आईसी से कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स कैसे सही करना है, तो हम इसकी डिस्प्ले वगैरह सभी लगा के पैक कर देते हैं। तो फ्रेंड, कैसे इस प्रॉब्लम का समाधान करना है वो भी हमने आपको जंपर के माध्यम से बताए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बगल में लगे घंटी को दबा देना।